तो यार इससे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक्चुअली तवांग से मेरा बहुत लंबा रिश्ता है, ठीक है। भले ही हम तवांग में नहीं रहते हो लेकिन मेरा बहुत लंबा रिश्ता है, क्योंकि माय मैटरनल अंकल, मेरा मम्मी का भैया यानी कि मेरा मामा, वो जब हम जन्म हुआ था तब उनका पोस्टिंग इधर था तवांग में ना, मेरा मामा का पोस्टिंग तवांग में था। तब तवांग उसको इतना अच्छा लगा, कभी वो वापस आया ही नहीं, यू नो, तवांग से कभी वापस गया ही नहीं। तो सेकेंड टाइम जब मिला था तो पास दे भाई, यू नो, जब वो डेथ बेड में था अपना, जब वो इस दुनिया से गुजर गया था, तब भी हम मिला सेकेंड टाइम मेरे मामा को। शायद उनको तवांग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, शायद, है ना। एंड यू नो, एंड इनफैक्ट उनका जो फैमिली है वो तवांग में रहता है, मेरा जितना कजिन्स है वो तवांग में रहता है। मेरे मामा का जो वाइफ है, मेरा मामी जो है, वो तवांग लुमला, एक प्लेस है ना लुमला, इधर करते हैं, तो सिस्टर्स यार, एंड अपना आना जाना रहता रहता है, यू नो, फैमिली के साथ। तो एक रिश्ता तो है तवांग के साथ, है ना। एंड मेरा मामा तो यहाँ से इधर ही उसका जो आखिरी सांस था वो तवांग में। एक्चुअली हम नीचे आना चाहता था लेकिन ये माइक का वैसा ना, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं, ब्रो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, वो आवाज़ कर रहा था ऐसा ना। एंड आप लोग भी बहुत दूर हो गया मेरे लिए, इतना दूर हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर भी वहाँ से मैं हमको सुनाई दे रहा, ठीक है, और भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
Terima kasih telah menonton.